तुमने जो मेहनत किया है उसका फल तुमको मिला है बेटा। एक गोल था वो जितने देर में कम्प्लीट हो, अगर वो एक घंटे में पूरा हो, दो घंटे में पूरा हो, या फिर तीन चार घंटे, या रात के कितने भी बज जाए, बस वो गोल कम्प्लीट होना चाहिए। सोते हुए मैंने कभी नहीं देखा कि वो कब सोई, क्योंकि रात में मैं बराबर उठता था तो मैं देखता था कि वो पढ़ रही है बिहार टॉप करने की। वो थोड़ा सा अभी रो रही थी कुछ देर पहले कि हमको 99 का हमारा लक्ष्य था जो कम आया है, रो रही थी। तो फिर मैंने उसको कहा कि नहीं बेटा अच्छा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को, मेरा नाम अभिषेक है। मुजफ्फरपुर की प्राची ने CBSE 10th में मुजफ्फरपुर का टॉप किया है, मुजफ्फरपुर टॉपर है। और आप देख सकते हैं वीडियो कॉल के माध्यम से अपने परिजनों से बात कर रही है, क्योंकि कोटा में है और पढ़ाई करने गई है, डॉक्टर की तैयारी करने गई है। हम उनसे बात करेंगे कि कितना मार्क्स आया है। 97.7% 97। किसमें कितना मार्क्स है सब्जेक्ट में? इंग्लिश 92, मैथ्स 100, संस्कृत 100, साइंस 100 एंड सोशल साइंस 96। कितनी खुशी हो रही है? जी बहुत खुशी हो रही है। कितनी देर तैयारी करती थी, कितने पढ़ाई कितना देर? ये मेरे गोल पर डिपेंड करता था, मैं हर दिन का गोल बनाती थी और उसमें चाहे कितने भी देर लगे, चाहे कुछ ही देर में कंप्लीट हो जाए या फिर बहुत टाइम लगे, ये डिपेंड करता था कि वो गोल कितने देर में कंप्लीट होता है हर डे का। कोचिंग वगैरह गई या स्कूल से क्या किसकी सहायता हुई? सबसे ज़्यादा तो मैंने कोचिंग में क्लासेस किए रामाकांत विद्यापीठ, वहाँ पर टीचर्स ने बहुत मोटिवेट किया, और फिर मैंने डॉल्फिन पब्लिक स्कूल से भी क्लासेस किए हैं मेरे स्कूल। मामा माता पिता का कितना सहयोग मिलता था? जी पूरा सहयोग, उनके बिना तो कुछ संभव ही नहीं था। क्या बनना चाहती हो बड़ी होकर? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर बनना चाहती है, इनके पापा से भी बात करेंगे। कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी की बात है कि एक सामान्य घर की लड़की ने अपने मेहनत के बल पर इतना अच्छा मार्क्स हासिल किया है। बेटी तो टॉपर बनी। जी जी काफ़ी खुशी हो रही है। जी काफ़ी खुशी हो रही है। कैसे पढ़ती थी घर में, कैसे मतलब? सर बहुत मेहनत करती थी और हर एक दिन का वो लक्ष्य बनाती थी, और लक्ष्य पूरा होने से पहले वो सोती नहीं थी, चाहे वो रात के 2 बज जाएँ 3 बज जाएँ, ये उस पर निर्भर करता था। सोते हुए मैंने कभी नहीं देखा कि वो कब सोई, क्योंकि रात में मैं बराबर उठता था तो मैं देखता था कि वो पढ़ रही है। बस जब मैं उठता था मैं देखता था कि वो पढ़ रही है। कितना संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि आप तो एक सर जो संघर्ष तो उसने ही किया है, हमने तो सिर्फ उसको सुविधा और साधन उपलब्ध कराया है। और जुनून उसका था, जुनून उसका था, उसी जुनून में उसने, उसको सनक थी बिहार टॉप करने की। वो थोड़ा सा अभी रो रही थी कुछ देर पहले कि हमको 99 का हमारा लक्ष्य था जो कम आया है, रो रही थी। तो फिर मैंने उसको कहा कि नहीं बेटा अच्छा है। माँ भी है, किस तरीके से तैयारी करती थी वो घर में? बहुत अच्छे तरीके से, कितना देर पढ़ती थी? 16 घंटा 14 घंटा एकदम रेगुलर पढ़ती ही रहती थी। हम लोग बोलते थे सो जाओ, माँ तुरंत सो जाते हैं और जगी रहती थी। आज बहुत खुशी हो रही है जो आपको बता नहीं सकते। अच्छा कितने हमारे 3 बच्चे हैं, 2 बेटी है और 1 बेटा है। अच्छा कभी कमी महसूस नहीं होती बाहर जाके पढ़ते हैं? बहुत महसूस होता है, लेकिन कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ता है। आपको CBSE के 10वीं में कितने मार्क्स आए हैं? 97.7%। किस विषय में कितने मार्क्स आए हैं? इंग्लिश 92, मैथ्स 100, संस्कृत 100, साइंस 100 एंड सोशल साइंस 96। कैसे और कहाँ तैयारी की है? मैंने सबसे पहले हमेशा डेली मैं एक गोल बनाती थी डेली का कि मुझे ये चीज़ पहले अचीव करना है। जैसे ये नहीं था कि कोई फिक्स टाइम था कि इतने ही देर में मुझे पढ़ना है, एक गोल था वो जितने देर में कम्प्लीट हो, अगर वो 1 घंटे में पूरा हो, 2 घंटे में पूरा हो, या फिर 3-4 घंटे, या रात के कितने भी बच जाए, बस वो गोल कम्प्लीट होना चाहिए। संघर्ष करिएगा तो सफलता ज़रूर मिलेगी। और 14 से 16 घंटे रात दिन भर में पढ़ती थी, जिस कारण मुजफ्फरपुर की टॉपर बनी है। तो वही रही लाइव सिटीज़ के साथ।